अस्सलामुअलैकुम। अस्सलाम जी बेटा, खैरियत? हाँ, वो बस एक एक्सीडेंट हो गया था। एक्सीडेंट? क्या हुआ बेटा, तुम्हें चोट तो नहीं लगी? नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ, बस उसने मेरी गाड़ी का बम्पर खराब कर दिया। यानी हमारे शहजादे का एक्सीडेंट आई गेस ही किसी हसीना से हुआ था, राइट? जी डैड। यार वो तो ठीक है, पर इस खातून को ढूंढेंगे कहाँ? चुप हो जा भाई, तू तो मत बोला कर, सर में दर्द करते थी तेरे। ए, ए, ए। ये बता, आमना कहाँ है? मिली नहीं, पता नहीं कहाँ मर गई है। मुझे ना अपने रूम की डस्टिंग करवानी है, इतनी डस्ट हो रही है वहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे अनीला रशीद को कहेगी कि शगुप्ता और आमना को माफ करो। व्यूअर्स आप देखेंगे कि रशीद कहेगा कि नहीं बेटा, मैं उसको माफ नहीं कर सकता। व्यूअर्स आप देखेंगे कि अनीला कहेगी कि मैंने उसको माफ किया है, तो आप भी माफ करें। व्यूअर्स आप देखेंगे कि उसका रशीद कहेगा कि उन लोगों का गुनाह ही ऐसी है कि वो माफ़ी के लायक नहीं है, मैं इन लोगों को कभी भी माफ़ नहीं कर सकता। लेकिन फिर भी व्यूअर्स अनीला की मिन्नत के बाद वो कहेगा कि ठीक है, मैं शगुप्ता और आमना को माफ़ करूंगा और तू बस ये कहूंगा कि उस पर जुल्म बंद कर दो और इसके साथ अपना रवैया सही कर दो। व्यूअर्स आप देखेंगे कि रशीद अनीला को कहेगा कि मैं तो चाहता था कि इन लोगों के साथ बहुत बुरा सलूक होना चाहिए, लेकिन अगर तुम कहते हो तो मैं तुम्हारी बात मानूंगा। व्यूअर्स नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि अनीला आमना के घर जाएगी और वहाँ पर देखेगी कि आमना घर की सारी कामें खुद कर रही है और वहाँ पर सारा जो गन पड़े हुए है वो आमना साफ कर रही है। व्यूअर्स आप देखेंगे कि आमना अनीला को कहेगी कि अनीला आप उन लोगों को कह दो कि ये लोग ये सलूक मेरे साथ ठीक कर दे। व्यूअर्स आप देखेंगे कि अनीला उसे खुशखबरी देती है कि मैंने बात की है और बहुत जल्द तुम्हें इस सब मुसीबतों का कोई बोझ नहीं होगा और तुम्हें राहत मिलेगी। तो व्यूअर्स, ड्रामे के हवाले से आपका क्या राय है, अपने राय के इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और इसके साथ हमारे यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे अनीला रशीद को कहेगी कि शगुप्ता और आमना को माफ़ करो। व्यूअर्स आप देखेंगे कि रशीद कहेगा कि नहीं बेटा, मैं उसको माफ़ नहीं कर सकता। व्यूअर्स आप देखेंगे कि अनीला कहेगी कि मैंने उसको माफ़ किया है, तो आप भी माफ़ करें। व्यूअर्स आप देखेंगे कि उसका रशीद कहेगा कि उन लोगों का गुनाह ही ऐसी है कि वो माफ़ी के लायक नहीं है, मैं इन लोगों को कभी भी माफ़ नहीं कर सकता। लेकिन फिर भी व्यूअर्स अनीला की मिन्नत के बाद वो कहेगा कि ठीक है, मैं शगुप्ता आमना को माफ़ करूंगा और तू बस ये कहूंगा कि उस पर जुल्म बंद कर दो और इसके साथ अपना रवैया सही कर दो। व्यूअर्स आप देखेंगे कि रशीद अनीला को कहेगा कि मैं तो चाहता था कि इन लोगों के साथ बहुत बुरा सलूक होना चाहिए, लेकिन अगर तुम कहते हो तो मैं तुम्हारी बात मानूंगा। व्यूअर्स नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि अनीला आमना के घर जाएगी और वहाँ पर देखेगी कि आमना घर की सारी कामें खुद कर रही है और वहाँ पर सारा जो गन पड़े हुए है वो आमना साफ कर रही है। व्यूअर्स आप देखेंगे कि आमना अनीला को कहेगी कि अनीला आप उन लोगों को कह दो कि ये लोग ये सलूक मेरे साथ ठीक कर दे। व्यूअर्स आप देखेंगे कि अनीला उसे खुशखबरी देती है कि मैंने बात की है और बहुत जल्द तुम्हें इस सब मुसीबतों का कोई बोझ नहीं होगा और तुम्हें राहत मिलेगी। तो व्यूअर्स, ड्रामे के हवाले से आपका क्या राय है, अपने राय के इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और इसके साथ हमारे यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे अनीला रशीद को कहेगी कि शगुप्ता और आमना को माफ़ करो। व्यूअर्स आप देखेंगे कि रशीद कहेगा कि नहीं बेटा, मैं उसको माफ़ नहीं कर सकता। व्यूअर्स आप देखेंगे कि अनीला कहेगी कि मैंने उसको माफ़ किया है, तो आप भी माफ़ करें। व्यूअर्स आप देखेंगे कि उसका रशीद कहेगा कि उन लोगों का गुनाह ही ऐसी है कि वो माफ़ी के लायक नहीं है, मैं इन लोगों को कभी भी माफ़ नहीं कर सकता। लेकिन फिर भी व्यूअर्स अनीला की मिन्नत के बाद वो कहेगा कि ठीक है, मैं शगुप्ता और आमना को माफ़ करूंगा और तू बस ये कहूंगा कि उस पर जुल्म बंद कर दो और इसके साथ अपना रवैया सही कर दो। व्यूअर्स आप देखेंगे कि रशीद अनीला को कहेगा कि मैं तो चाहता था कि इन लोगों के साथ बहुत बुरा सलूक होना चाहिए, लेकिन अगर तुम कहते हो तो मैं तुम्हारी बात मानूंगा।
व्यूअर्स, नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि अनिल आमना के घर जाएगी और वहाँ पर देखेगी कि आमना घर की सारी कामें खुद कर रही है और वहाँ पर सारा जो गन पड़े हुए है वो आमना साफ कर रही है। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि आमना अनिला को कहेगी कि अनिला आप उन लोगों को कह दो कि ये लोग ये सलूक मेरे साथ ठीक कर दे। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि अनिला उसे खुशखबरी देती है कि मैंने बात की है और बहुत जल्द तुम्हें इस सब मुसीबतों का कोई बोझ नहीं होगा और तुम्हें राहत मिलेगी। तो व्यूअर्स, ड्रामे के हवाले से आपका क्या राय है, अपने राय के इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और इसके साथ हमारे यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे अनिला रशीद को कहेगी कि शगुप्ता और आमना को माफ़ करो। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि रशीद कहेगा कि नहीं बेटा, मैं उसको माफ़ नहीं कर सकता। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि अनिला कहेगी कि मैंने उसको माफ़ किया है तो आप भी माफ़ करें। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि उसका रशीद कहेगा कि उन लोगों का गुनाह ही ऐसी है कि वो माफ़ी के लायक नहीं है, मैं इन लोगों को कभी भी माफ़ नहीं कर सकता। लेकिन फिर भी व्यूअर्स, अनिला की मिन्नत के बाद वो कहेगा कि ठीक है, मैं शगुप्ता और आमना को माफ़ करूँगा और तू बस ये कहूँगा कि उस पर जुल्म बंद कर दो और इसके साथ अपना रवैया सही कर दो। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि रशीद अनिला को कहेगा कि मैं तो चाहता था कि इन लोगों के साथ बहुत बुरा सलूक होना चाहिए, लेकिन अगर तुम कहते हो तो मैं तुम्हारी बात मानूंगा। व्यूअर्स, नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि अनिला आमना के घर जाएगी और वहाँ पर देखेगी कि आमना घर की सारी कामें खुद कर रही है और वहाँ पर सारा जो गन पड़े हुए है वो आमना साफ कर रही है। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि आमना अनिला को कहेगी कि अनिला आप उन लोगों को कह दो कि ये लोग ये सलूक मेरे साथ ठीक कर दे। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि अनिला उसे खुशखबरी देती है कि मैंने बात की है और बहुत जल्द तुम्हें इस सब मुसीबतों का कोई बोझ नहीं होगा और तुम्हें राहत मिलेगी। तो व्यूअर्स, ड्रामे के हवाले से आपका क्या राय है, अपने राय के इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और इसके साथ हमारे यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे अनिला रशीद को कहेगी कि शगुप्ता और आमना को माफ़ करो। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि रशीद कहेगा कि नहीं बेटा, मैं उसको माफ़ नहीं कर सकता। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि अनिला कहेगी कि मैंने उसको माफ़ किया है तो आप भी माफ़ करें। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि उसका रशीद कहेगा कि उन लोगों का गुनाह ही ऐसी है कि वो माफ़ी के लायक नहीं है, मैं इन लोगों को कभी भी माफ़ नहीं कर सकता। लेकिन फिर भी व्यूअर्स, अनिला की मिन्नत के बाद वो कहेगा कि ठीक है, मैं शगुप्ता और आमना को माफ़ करूँगा और तू बस ये कहूँगा कि उस पर जुल्म बंद कर दो और इसके साथ अपना रवैया सही कर दो। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि रशीद अनिला को कहेगा कि मैं तो चाहता था कि इन लोगों के साथ बहुत बुरा सलूक होना चाहिए, लेकिन अगर तुम कहते हो तो मैं तुम्हारी बात मान। व्यूअर्स, नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि अनिला आमना के घर जाएगी और वहाँ पर देखेगी कि आमना घर की सारी कामें खुद कर रही है और वहाँ पर सारा जो गन पड़े हुए है वो आमना साफ कर रही है। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि आमना अनिला को कहेगी कि अनिला आप उन लोगों को कह दो कि ये लोग ये सलूक मेरे साथ ठीक कर दे। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि अनिला उसे खुशखबरी देती है कि मैंने बात की है और बहुत जल्द तुम्हें इस सब मुसीबतों का कोई बोझ नहीं होगा और तुम्हें राहत मिलेगी। तो व्यूअर्स, ड्रामे के हवाले से आपका क्या राय है, अपने राय के इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और इसके साथ हमारे यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे अनिला रशीद को कहेगी कि शगुप्ता और आमना को माफ़ करो। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि रशीद कहेगा कि नहीं बेटा, मैं उसको माफ़ नहीं कर सकता। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि अनिला कहेगी कि मैंने उसको माफ़ किया है तो आप भी माफ़ करें। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि उसका रशीद कहेगा कि उन लोगों का गुनाह ही ऐसी है कि वो माफ़ी के लायक नहीं है, मैं इन लोगों को कभी भी माफ़ नहीं कर सकता। लेकिन फिर भी व्यूअर्स, अनिला की मिन्नत के बाद वो कहेगा कि ठीक है, मैं शगुप्ता और आमना को माफ़ करूँगा और तू बस ये कहूँगा कि उस पर जुल्म बंद कर दो और इसके साथ अपना रवैया सही कर दो। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि रशीद अनिला को कहेगा कि मैं तो चाहता था कि इन लोगों के साथ बहुत बुरा सलूक होना चाहिए, लेकिन अगर तुम कहते हो तो मैं तुम्हारी बात मान। व्यूअर्स, नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि अनिला आमना के घर जाएगी और वहाँ पर देखेगी कि आमना घर की सारी कामें खुद कर रही है और वहाँ पर सारा जो गन पड़े हुए है वो आमना साफ कर रही है। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि आमना अनिला को कहेगी कि अनिला आप उन लोगों को कह दो कि ये लोग ये सलूक मेरे साथ ठीक कर दे। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि अनिला उसे खुशखबरी देती है कि मैंने बात की है और बहुत जल्द तुम्हें इस सब मुसीबतों का कोई बोझ नहीं होगा और तुम्हें राहत मिलेगी। तो व्यूअर्स, ड्रामे के हवाले से आपका क्या राय है, अपने राय के इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और इसके साथ हमारे यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।
अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे अनीला रशीद को कहेगी कि शगुप्ता और आमना को माफ़ करो। व्यूअर्स आप देखेंगे कि रशीद कहेगा कि नहीं बेटा, मैं उसको माफ़ नहीं कर सकता। व्यूअर्स आप देखेंगे कि अनीला कहेगी कि मैंने उसको माफ़ किया है तो आप भी माफ़ करें। व्यूअर्स आप देखेंगे कि उसका रशीद कहेगा कि उन लोगों का गुनाह ही ऐसी है कि वो माफ़ी के लायक नहीं है, मैं इन लोगों को कभी भी माफ़ नहीं कर सकता। लेकिन फिर भी व्यूअर्स अनीला की मिन्नत के बाद वो कहेगा कि ठीक है, मैं शगुप्ता और आमना को माफ़ करूँगा और तू बस ये कहूँगा कि उस पर जुल्म बंद कर दो और उसके साथ अपना रवैया सही कर दो। व्यूअर्स आप देखेंगे कि रशीद अनीला को कहेगा कि मैं तो चाहता था कि इन लोगों के साथ बहुत बुरा सलूक होना चाहिए, लेकिन अगर तुम कहते हो तो मैं तुम्हारी बात मानूंगा। व्यूअर्स नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि अनीला आमना के घर जाएगी और वहाँ पर देखेगी कि आमना घर की सारी कामें खुद कर रही है और वहाँ पर सारा जो गन पड़ी हुई है वो आमना साफ कर रही है। व्यूअर्स आप देखेंगे कि आमना अनीला को कहेगी कि अनीला आप उन लोगों को कह दो कि ये लोग ये सलूक मेरे साथ ठीक कर दे। व्यूअर्स आप देखेंगे कि अनीला उसे खुशखबरी देती है कि मैंने बात की है और बहुत जल्द तुम्हें इस सब मुसीबतों का कोई बोझ नहीं होगा और तुम्हें राहत मिलेगी। तो व्यूअर्स ड्रामे के हवाले से आपका क्या राय है, अपने राय के इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और इसके साथ हमारे यूट्यूब का चैनल इख़लास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे अनीला रशीद को कहेगी कि शगुप्ता और आमना को माफ़ करो। व्यूअर्स आप देखेंगे कि रशीद कहेगा कि नहीं बेटा, मैं उसको माफ़ नहीं कर सकता। व्यूअर्स आप देखेंगे कि अनीला कहेगी कि मैंने उसको माफ़ किया है तो आप भी माफ़ करें। व्यूअर्स आप देखेंगे कि उसका रशीद कहेगा कि उन लोगों का गुनाह ही ऐसी है कि वो माफ़ी के लायक नहीं है, मैं इन लोगों को कभी भी माफ़ नहीं कर सकता। लेकिन फिर भी व्यूअर्स अनीला की मिन्नत के बाद वो कहेगा कि ठीक है, मैं शगुप्ता और आमना को माफ़ करूँगा और तू बस ये कहूँगा कि उस पर जुल्म बंद कर दो और उसके साथ अपना रवैया सही कर दो। व्यूअर्स आप देखेंगे कि रशीद अनीला को कहेगा कि मैं तो चाहता था कि इन लोगों के साथ बहुत बुरा सलूक होना चाहिए, लेकिन अगर तुम कहते हो तो मैं तुम्हारी बात मानूँ। व्यूअर्स नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि अनीला आमना के घर जाएगी और वहाँ पर देखेगी कि आमना घर की सारी कामें खुद कर रही है और वहाँ पर सारा जो गन पड़ी हुई है वो आमना साफ कर रही है। व्यूअर्स आप देखेंगे कि आमना अनीला को कहेगी कि अनीला आप उन लोगों को कह दो कि ये लोग ये सलूक मेरे साथ ठीक कर दे। व्यूअर्स आप देखेंगे कि अनीला उसे खुशखबरी देती है कि मैंने बात की है और बहुत जल्द तुम्हें इस सब मुसीबतों का कोई बोझ नहीं होगा और तुम्हें राहत मिलेगी। तो व्यूअर्स ड्रामे के हवाले से आपका क्या राय है, अपने राय के इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और इसके साथ हमारे यूट्यूब का चैनल इख़लास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे अनीला रशीद को कहेगी कि शगुप्ता और आमना को माफ़ करो। व्यूअर्स आप देखेंगे कि रशीद कहेगा कि नहीं बेटा, मैं उसको माफ़ नहीं कर सकता। व्यूअर्स आप देखेंगे कि अनीला कहेगी कि मैंने उसको माफ़ किया है तो आप भी माफ़ करें। व्यूअर्स आप देखेंगे कि उसका रशीद कहेगा कि उन लोगों का गुनाह ही ऐसी है कि वो माफ़ी के लायक नहीं है, मैं इन लोगों को कभी भी माफ़ नहीं कर सकता। लेकिन फिर भी व्यूअर्स अनीला की मिन्नत के बाद वो कहेगा कि ठीक है, मैं शगुप्ता और आमना को माफ़ करूँगा और तू बस ये कहूँगा कि उस पर जुल्म बंद कर दो और उसके साथ अपना रवैया सही कर दो। व्यूअर्स आप देखेंगे कि रशीद अनीला को कहेगा कि मैं तो चाहता था कि इन लोगों के साथ बहुत बुरा सलूक होना चाहिए, लेकिन अगर तुम कहते हो तो मैं तुम्हारी बात मानूँ। व्यूअर्स नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि अनीला आमना के घर जाएगी और वहाँ पर देखेगी कि आमना घर की सारी कामें खुद कर रही है और वहाँ पर सारा जो गन पड़ी हुई है वो आमना साफ कर रही है। व्यूअर्स आप देखेंगे कि आमना अनीला को कहेगी कि अनीला आप उन लोगों को कह दो कि ये लोग ये सलूक मेरे साथ ठीक कर दे। व्यूअर्स आप देखेंगे कि अनीला उसे खुशखबरी देती है कि मैंने बात की है और बहुत जल्द तुम्हें इस सब मुसीबतों का कोई बोझ नहीं होगा और तुम्हें राहत मिलेगी। तो व्यूअर्स ड्रामे के हवाले से आपका क्या राय है, अपने राय के इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और इसके साथ हमारे यूट्यूब का चैनल इख़लास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे अनीला रशीद को कहेगी कि शगुप्ता और आमना को माफ़ करो। व्यूअर्स आप देखेंगे कि रशीद कहेगा कि नहीं बेटा, मैं उसको माफ़ नहीं कर सकता। व्यूअर्स आप देखेंगे कि अनीला कहेगी कि मैंने उसको माफ़ किया है तो आप भी माफ़ करें। व्यूअर्स आप देखेंगे कि उसका रशीद कहेगा कि उन लोगों का गुनाह ही ऐसी है कि वो माफ़ी के लायक नहीं है, मैं इन लोगों को कभी भी माफ़ नहीं कर सकता। लेकिन फिर भी व्यूअर्स अनीला की मिन्नत के बाद वो कहेगा कि ठीक है, मैं शगुप्ता और
आमना को माफ़ करूंगा और तूबा से कहूंगा कि उस पर जुल्म बंद कर दो और उसके साथ अपना रवैया सही कर दो। व्यूअर्स आप देखेंगे कि रशीद नीला को कहेगा कि मैं तो चाहता था कि इन लोगों के साथ बहुत बुरा सलूक होना चाहिए, लेकिन अगर तुम कहते हो तो मैं तुम्हारी बात मानूंगा। व्यूअर्स नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि अनिल आमना के घर जाएगी और वहाँ पर देखेगी कि आमना घर की सारी कामें खुद कर रही है और वहाँ पर सारा जो गन पड़ी हुई है वो आमना साफ कर रही है। व्यूअर्स आप देखेंगे कि आमना अनिला को कहेगी कि अनिला आप उन लोगों को कह दो कि ये लोग ये सलूक मेरे साथ ठीक कर दे। व्यूअर्स आप देखेंगे कि अनिला उसे खुशखबरी देती है कि मैंने बात की है और बहुत जल्द तुम्हें इस सब मुसीबतों का कोई बोझ नहीं होगा और तुम्हें राहत मिलेगी। तो व्यूअर्स ड्रामे के हवाले से आपका क्या राय है अपने राय के इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और इसके साथ हमारे यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे अनिला रशीद को कहेगी कि शक गुप्ता और आमना को माफ़ करो। व्यूअर्स आप देखेंगे कि रशीद कहेगा कि नहीं बेटा, मैं उसको माफ़ नहीं कर सकता। व्यूअर्स आप देखेंगे कि अनिला कहेगी कि मैंने उसको माफ़ किया है तो आप भी माफ़ करें। व्यूअर्स आप देखेंगे कि उसका रशीद कहेगा कि उन लोगों का गुनाह ही ऐसी है कि वो माफ़ी के लायक नहीं है, मैं इन लोगों को कभी भी माफ़ नहीं कर सकता। लेकिन फिर भी व्यूअर्स अनिला की मिन्नत के बाद वो कहेगा कि ठीक है, मैं शक गुप्ता आमना को माफ़ करूंगा और तू बस ये कहूंगा कि उस पर जुल्म बंद कर दो और उसके साथ अपना रवैया सही कर दो। व्यूअर्स आप देखेंगे कि रशीद नीला को कहेगा कि मैं तो चाहता था कि इन लोगों के साथ बहुत बुरा सलूक होना चाहिए, लेकिन अगर तुम कहते हो तो मैं तुम्हारी बात मानूंगा। व्यूअर्स नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि अनिल आमना के घर जाएगी और वहाँ पर देखेगी कि आमना घर की सारी कामें खुद कर रही है और वहाँ पर सारा जो गन पड़ी हुई है वो आमना साफ कर रही है। व्यूअर्स आप देखेंगे कि आमना अनिला को कहेगी कि अनिला आप उन लोगों को कह दो कि ये लोग ये सलूक मेरे साथ ठीक कर दे। व्यूअर्स आप देखेंगे कि अनिला उसे खुशखबरी देती है कि मैंने बात की है और बहुत जल्द तुम्हें इस सब मुसीबतों का कोई बोझ नहीं होगा और तुम्हें राहत मिलेगी। तो व्यूअर्स ड्रामे के हवाले से आपका क्या राय है अपने राय के इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और इसके साथ हमारे यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे अनिला रशीद को कहेगी कि शक गुप्ता और आमना को माफ़ करो। व्यूअर्स आप देखेंगे कि रशीद कहेगा कि नहीं बेटा, मैं उसको माफ़ नहीं कर सकता। व्यूअर्स आप देखेंगे कि अनिला कहेगी कि मैंने उसको माफ़ किया है तो आप भी माफ़ करें। व्यूअर्स आप देखेंगे कि उसका रशीद कहेगा कि उन लोगों का गुनाह ही ऐसी है कि वो माफ़ी के लायक नहीं है, मैं इन लोगों को कभी भी माफ़ नहीं कर सकता। लेकिन फिर भी व्यूअर्स अनिला की मिन्नत के बाद वो कहेगा कि ठीक है, मैं शक गुप्ता आमना को माफ़ करूंगा और तू बस ये कहूंगा कि उस पर जुल्म बंद कर दो और उसके साथ अपना रवैया सही कर दो। व्यूअर्स आप देखेंगे कि रशीद नीला को कहेगा कि मैं तो चाहता था कि इन लोगों के साथ बहुत बुरा सलूक होना चाहिए, लेकिन अगर तुम कहते हो तो मैं तुम्हारी बात मानूंगा। व्यूअर्स नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि अनिल आमना के घर जाएगी और वहाँ पर देखेगी कि आमना घर की सारी कामें खुद कर रही है और वहाँ पर सारा जो गन पड़ी हुई है वो आमना साफ कर रही है। व्यूअर्स आप देखेंगे कि आमना अनिला को कहेगी कि अनिला आप उन लोगों को कह दो कि ये लोग ये सलूक मेरे साथ ठीक कर दे। व्यूअर्स आप देखेंगे कि अनिला उसे खुशखबरी देती है कि मैंने बात की है और बहुत जल्द तुम्हें इस सब मुसीबतों का कोई बोझ नहीं होगा और तुम्हें राहत मिलेगी। तो व्यूअर्स ड्रामे के हवाले से आपका क्या राय है अपने राय के इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और इसके साथ हमारे यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे अनिला रशीद को कहेगी कि शक गुप्ता और आमना को माफ़ करो। व्यूअर्स आप देखेंगे कि रशीद कहेगा कि नहीं बेटा, मैं उसको माफ़ नहीं कर सकता। व्यूअर्स आप देखेंगे कि अनिला कहेगी कि मैंने उसको माफ़ किया है तो आप भी माफ़ करें। व्यूअर्स आप देखेंगे कि उसका रशीद कहेगा कि उन लोगों का गुनाह ही ऐसी है कि वो माफ़ी के लायक नहीं है, मैं इन लोगों को कभी भी माफ़ नहीं कर सकता। लेकिन फिर भी व्यूअर्स अनिला की मिन्नत के बाद वो कहेगा कि ठीक है, मैं शक गुप्ता आमना को माफ़ करूंगा और तू बस ये कहूंगा कि उस पर जुल्म बंद कर दो और उसके साथ अपना रवैया सही कर दो। व्यूअर्स आप देखेंगे कि रशीद नीला को कहेगा कि मैं तो चाहता था कि इन लोगों के साथ बहुत बुरा सलूक होना चाहिए, लेकिन अगर तुम कहते हो तो मैं तुम्हारी बात मानूंगा। व्यूअर्स नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि अनिल आमना के घर जाएगी और वहाँ पर देखेगी कि आमना घर की सारी कामें खुद कर रही है और वहाँ पर सारा जो गन पड़ी हुई है वो आमना
साहब के रिव्यूज़ आप देखेंगे कि आमना अनीला को कहेगी कि अनीला आप उन लोगों को कह दो कि ये लोग ये सलूक मेरे साथ ठीक कर दे। रिव्यूज़ आप देखेंगे कि अनीला उसे खुशखबरी देती है कि मैंने बात की है और बहुत जल्द तुम्हें इस सब मुसीबतों का कोई बोझ नहीं होगा और तुम्हें राहत मिलेगी। तो व्यूअर्स, ड्रामे के हवाले से आपका क्या राय है, अपने राय के इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और इसके साथ हमारे यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे अनीला रशीद को कहेगी कि शगुप्ता और आमना को माफ़ करो। व्यूअर्स आप देखेंगे कि रशीद कहेगा कि नहीं बेटा, मैं उसको माफ़ नहीं कर सकता। व्यूअर्स आप देखेंगे कि अनीला कहेगी कि मैंने उसको माफ़ किया है तो आप भी माफ़ करें। व्यूअर्स आप देखेंगे कि उसका रशीद कहेगा कि उन लोगों का गुनाह ही ऐसी है कि वो माफ़ी के लायक नहीं है, मैं इन लोगों को कभी भी माफ़ नहीं कर सकता। लेकिन फिर भी व्यूअर्स अनीला की मिन्नत के बाद वो कहेगा कि ठीक है, मैं शगुप्ता आमना को माफ़ करूंगा और तू बस ये कहूंगा कि उस पर जुल्म बंद कर दो और इसके साथ अपना रवैया सही कर दो। व्यूअर्स आप देखेंगे कि रशीद अनीला को कहेगा कि मैं तो चाहता था कि इन लोगों के साथ बहुत बुरा सलूक को होना चाहिए, लेकिन अगर तुम कहते हो तो मैं तुम्हारी बात मानूंगा। व्यूअर्स नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि अनीला आमना के घर जाएगी और वहाँ पर देखेगी कि आमना घर की सारी कामें खुद कर रही है और वहाँ पर सारा जो गन पड़ी हुई है वो आमना साफ कर रही है। व्यूअर्स आप देखेंगे कि आमना अनीला को कहेगी कि अनीला आप उन लोगों को कह दो कि ये लोग ये सलूक मेरे साथ ठीक कर दे। व्यूअर्स आप देखेंगे कि अनीला उसे खुशखबरी देती है कि मैंने बात की है और बहुत जल्द तुम्हें इस सब मुसीबतों का कोई बोझ नहीं होगा और तुम्हें राहत मिलेगी। तो व्यूअर्स, ड्रामे के हवाले से आपका क्या राय है, अपने राय के इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और इसके साथ हमारे यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे अनीला रशीद को कहेगी कि शगुप्ता और आमना को माफ़ करो। व्यूअर्स आप देखेंगे कि रशीद कहेगा कि नहीं बेटा, मैं उसको माफ़ नहीं कर सकता। व्यूअर्स आप देखेंगे कि अनीला कहेगी कि मैंने उसको माफ़ किया है तो आप भी माफ़ करें। व्यूअर्स आप देखेंगे कि उसका रशीद कहेगा कि उन लोगों का गुनाह ही ऐसी है कि वो माफ़ी के लायक नहीं है, मैं इन लोगों को कभी भी माफ़ नहीं कर सकता। लेकिन फिर भी व्यूअर्स अनीला की मिन्नत के बाद वो कहेगा कि ठीक है, मैं शगुप्ता आमना को माफ़ करूंगा और तू बस ये कहूंगा कि उस पर जुल्म बंद कर दो और इसके साथ अपना रवैया सही कर दो। व्यूअर्स आप देखेंगे कि रशीद अनीला को कहेगा कि मैं तो चाहता था कि इन लोगों के साथ बहुत बुरा सलूक को होना चाहिए, लेकिन अगर तुम कहते हो तो मैं तुम्हारी बात मानूंगा। व्यूअर्स, नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि अनीला आमना के घर जाएगी और वहाँ पर देखेगी कि आमना घर की सारी कामें खुद कर रही है और वहाँ पर सारा जो गन पड़ी हुई है वो आमना साफ कर रही है। व्यूअर्स आप देखेंगे कि आमना अनीला को कहेगी कि अनीला आप उन लोगों को कह दो कि ये लोग ये सलूक मेरे साथ ठीक कर दे। व्यूअर्स आप देखेंगे कि अनीला उसे खुशखबरी देती है कि मैंने बात की है और बहुत जल्द तुम्हें इस सब मुसीबतों का कोई बोझ नहीं होगा और तुम्हें राहत मिलेगी। तो व्यूअर्स, ड्रामे के हवाले से आपका क्या राय है, अपने राय के इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और इसके साथ हमारे यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे अनीला रशीद को कहेगी कि शगुप्ता और आमना को माफ़ करो। व्यूअर्स आप देखेंगे कि रशीद कहेगा कि नहीं बेटा, मैं उसको माफ़ नहीं कर सकता। व्यूअर्स आप देखेंगे कि अनीला कहेगी कि मैंने उसको माफ़ किया है तो आप भी माफ़ करें। व्यूअर्स आप देखेंगे कि उसका रशीद कहेगा कि उन लोगों का गुनाह ही ऐसी है कि वो माफ़ी के लायक नहीं है, मैं इन लोगों को कभी भी माफ़ नहीं कर सकता। लेकिन फिर भी व्यूअर्स अनीला की मिन्नत के बाद वो कहेगा कि ठीक है, मैं शगुप्ता आमना को माफ़ करूंगा और तू बस ये कहूंगा कि उस पर जुल्म बंद कर दो और इसके साथ अपना रवैया सही कर दो। व्यूअर्स आप देखेंगे कि रशीद अनीला को कहेगा कि मैं तो चाहता था कि इन लोगों के साथ बहुत बुरा सलूक को होना चाहिए, लेकिन अगर तुम कहते हो तो मैं तुम्हारी बात मानूंगा। व्यूअर्स, नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि अनीला आमना के घर जाएगी और वहाँ पर देखेगी कि आमना घर की सारी कामें खुद कर रही है और वहाँ पर सारा जो गन पड़ी हुई है वो आमना साफ कर रही है। व्यूअर्स आप देखेंगे कि आमना अनीला को कहेगी कि अनीला आप उन लोगों को कह दो कि ये लोग ये सलूक मेरे साथ ठीक कर दे। व्यूअर्स आप देखेंगे कि अनीला उसे खुशखबरी देती है कि मैंने बात की है और बहुत जल्द तुम्हें इस सब मुसीबतों का कोई बोझ नहीं होगा और तुम्हें राहत मिलेगी। तो व्यूअर्स, ड्रामे के हवाले से आपका क्या राय है, अपने राय के इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और इसके साथ हमारे यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।
अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे अनीला रशीद को कहेगी कि शगुप्ता और आमना को माफ़ करो। व्यूअर्स आप देखेंगे कि रशीद कहेगा कि नहीं बेटा, मैं उसको माफ़ नहीं कर सकता। व्यूअर्स आप देखेंगे कि अनीला कहेगी कि मैंने उसको माफ़ किया है तो आप भी माफ़ करें। व्यूअर्स आप देखेंगे कि उसका रशीद कहेगा कि उन लोगों का गुनाह ही ऐसी है कि वो माफ़ी के लायक नहीं है, मैं इन लोगों को कभी भी माफ़ नहीं कर सकता। लेकिन फिर भी व्यूअर्स अनीला की मिन्नत के बाद वो कहेगा कि ठीक है, मैं शगुप्ता आमना को माफ़ करूंगा और तू बस ये कहूंगा कि उस पर जुल्म बंद कर दो और इसके साथ अपना रवैया सही कर दो। व्यूअर्स आप देखेंगे कि रशीद अनीला को कहेगा कि मैं तो चाहता था कि इन लोगों के साथ बहुत बुरा सलूक होना चाहिए, लेकिन अगर तुम कहते हो तो मैं तुम्हारी बात मानूंगा। व्यूअर्स नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि अनीला आमना के घर जाएगी और वहाँ पर देखेगी कि आमना घर की सारी कामें खुद कर रही है और वहाँ पर सारा जो गन पड़े हुए है वो आमना साफ कर रही है। व्यूअर्स आप देखेंगे कि आमना अनीला को कहेगी कि अनीला आप उन लोगों को कह दो कि ये लोग ये सलूक मेरे साथ ठीक कर दे। व्यूअर्स आप देखेंगे कि अनीला उसे खुशखबरी देती है कि मैंने बात की है और बहुत जल्द तुम्हें इस सब मुसीबतों का कोई बोझ नहीं होगा और तुम्हें राहत मिलेगी। तो व्यूअर्स, ड्रामे के हवाले से आपका क्या राय है, अपने राय के इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और इसके साथ हमारे यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे अनीला रशीद को कहेगी कि शगुप्ता और आमना को माफ़ करो। व्यूअर्स आप देखेंगे कि रशीद कहेगा कि नहीं बेटा, मैं उसको माफ़ नहीं कर सकता। व्यूअर्स आप देखेंगे कि अनीला कहेगी कि मैंने उसको माफ़ किया है तो आप भी माफ़ करें। व्यूअर्स आप देखेंगे कि उसका रशीद कहेगा कि उन लोगों का गुनाह ही ऐसी है कि वो माफ़ी के लायक नहीं है, मैं इन लोगों को कभी भी माफ़ नहीं कर सकता। लेकिन फिर भी व्यूअर्स अनीला की मिन्नत के बाद वो कहेगा कि ठीक है, मैं शगुप्ता आमना को माफ़ करूंगा और तू बस ये कहूंगा कि उस पर जुल्म बंद कर दो और इसके साथ अपना रवैया सही कर दो। व्यूअर्स आप देखेंगे कि रशीद अनीला को कहेगा कि मैं तो चाहता था कि इन लोगों के साथ बहुत बुरा सलूक होना चाहिए, लेकिन अगर तुम कहते हो तो मैं तुम्हारी बात मानूंगा। व्यूअर्स, नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि अनीला आमना के घर जाएगी और वहाँ पर देखेगी कि आमना घर की सारी कामें खुद कर रही है और वहाँ पर सारा जो गन पड़े हुए है वो आमना साफ कर रही है। व्यूअर्स आप देखेंगे कि आमना अनीला को कहेगी कि अनीला आप उन लोगों को कह दो कि ये लोग ये सलूक मेरे साथ ठीक कर दे। व्यूअर्स आप देखेंगे कि अनीला उसे खुशखबरी देती है कि मैंने बात की है और बहुत जल्द तुम्हें इस सब मुसीबतों का कोई बोझ नहीं होगा और तुम्हें राहत मिलेगी। तो व्यूअर्स, ड्रामे के हवाले से आपका क्या राय है, अपने राय के इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और इसके साथ हमारे यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे अनीला रशीद को कहेगी कि शगुप्ता और आमना को माफ़ करो। व्यूअर्स आप देखेंगे कि रशीद कहेगा कि नहीं बेटा, मैं उसको माफ़ नहीं कर सकता। व्यूअर्स आप देखेंगे कि अनीला कहेगी कि मैंने उसको माफ़ किया है तो आप भी माफ़ करें। व्यूअर्स आप देखेंगे कि उसका रशीद कहेगा कि उन लोगों का गुनाह ही ऐसी है कि वो माफ़ी के लायक नहीं है, मैं इन लोगों को कभी भी माफ़ नहीं कर सकता। लेकिन फिर भी व्यूअर्स अनीला की मिन्नत के बाद वो कहेगा कि ठीक है, मैं शगुप्ता आमना को माफ़ करूंगा और तू बस ये कहूंगा कि उस पर जुल्म बंद कर दो और इसके साथ अपना रवैया सही कर दो। व्यूअर्स आप देखेंगे कि रशीद अनीला को कहेगा कि मैं तो चाहता था कि इन लोगों के साथ बहुत बुरा सलूक होना चाहिए, लेकिन अगर तुम कहते हो तो मैं तुम्हारी बात मानूंगा। व्यूअर्स, नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि अनीला आमना के घर जाएगी और वहाँ पर देखेगी कि आमना घर की सारी कामें खुद कर रही है और वहाँ पर सारा जो गन पड़े हुए है वो आमना साफ कर रही है। व्यूअर्स आप देखेंगे कि आमना अनीला को कहेगी कि अनीला आप उन लोगों को कह दो कि ये लोग ये सलूक मेरे साथ ठीक कर दे। व्यूअर्स आप देखेंगे कि अनीला उसे खुशखबरी देती है कि मैंने बात की है और बहुत जल्द तुम्हें इस सब मुसीबतों का कोई बोझ नहीं होगा और तुम्हें राहत मिलेगी। तो व्यूअर्स, ड्रामे के हवाले से आपका क्या राय है, अपने राय के इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और इसके साथ हमारे यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे अनीला रशीद को कहेगी कि शगुप्ता और आमना को माफ़ करो। व्यूअर्स आप देखेंगे कि रशीद कहेगा कि नहीं बेटा, मैं उसको माफ़ नहीं कर सकता। व्यूअर्स आप देखेंगे कि अनीला कहेगी कि मैंने उसको माफ़ किया है
तो आप भी माफ़ करें। व्यूअर्स आप देखेंगे कि उसका रशीद कहेगा कि उन लोगों का गुनाह ही ऐसी है कि वो माफ़ी के लायक नहीं है, मैं इन लोगों को कभी भी माफ़ नहीं कर सकता। लेकिन फिर भी व्यूअर्स अनिला की मिन्नतों के बाद वो कहेगा कि ठीक है, मैं शगुप्ता और अमना को माफ़ करूँगा और तू बस ये कहूँगा कि उस पर जुल्म बंद कर दो और इसके साथ अपना रवैया सही कर दो। व्यूअर्स आप देखेंगे कि रशीद अनिला को कहेगा कि मैं तो चाहता था कि इन लोगों के साथ बहुत बुरा सलूक होना चाहिए, लेकिन अगर तुम कहते हो तो मैं तुम्हारी बात मानूंगा। व्यूअर्स नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि अनिला अमना के घर जाएगी और वहाँ पर देखेगी कि अमना घर की सारी कामें खुद कर रही है और वहाँ पर सारा जो गन पड़े हुए है वो अमना साफ कर रही है। व्यूअर्स आप देखेंगे कि अमना अनिला को कहेगी कि अनिला आप उन लोगों को कह दो कि ये लोग ये सलूक मेरे साथ ठीक कर दे। व्यूअर्स आप देखेंगे कि अनिला उसे खुशखबरी देती है कि मैंने बात की है और बहुत जल्द तुम्हें इस सब मुसीबतों का कोई बोझ नहीं होगा और तुम्हें राहत मिलेगी। तो व्यूअर्स, ड्रामे के हवाले से आपका क्या राय है, अपने राय के इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और इसके साथ हमारे यूट्यूब का चैनल इख़लास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे अनिला रशीद को कहेगी कि शगुप्ता और आमना को माफ़ करो। व्यूअर्स आप देखेंगे कि रशीद कहेगा कि नहीं बेटा, मैं उसको माफ़ नहीं कर सकता। व्यूअर्स आप देखेंगे कि अनिला कहेगी कि मैंने उसको माफ़ किया है तो आप भी माफ़ करें। व्यूअर्स आप देखेंगे कि उसका रशीद कहेगा कि उन लोगों का गुनाह ही ऐसी है कि वो माफ़ी के लायक नहीं है, मैं इन लोगों को कभी भी माफ़ नहीं कर सकता। लेकिन फिर भी व्यूअर्स अनिला की मिन्नतों के बाद वो कहेगा कि ठीक है, मैं शगुप्ता और अमना को माफ़ करूँगा और तू बस ये कहूँगा कि उस पर जुल्म बंद कर दो और इसके साथ अपना रवैया सही कर दो। व्यूअर्स आप देखेंगे कि रशीद अनिला को कहेगा कि मैं तो चाहता था कि इन लोगों के साथ बहुत बुरा सलूक होना चाहिए, लेकिन अगर तुम कहते हो तो मैं तुम्हारी बात मानूंगा। व्यूअर्स, नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि अनिला अमना के घर जाएगी और वहाँ पर देखेगी कि अमना घर की सारी कामें खुद कर रही है और वहाँ पर सारा जो गन पड़े हुए है वो अमना साफ कर रही है। व्यूअर्स आप देखेंगे कि अमना अनिला को कहेगी कि अनिला आप उन लोगों को कह दो कि ये लोग ये सलूक मेरे साथ ठीक कर दे। व्यूअर्स आप देखेंगे कि अनिला उसे खुशखबरी देती है कि मैंने बात की है और बहुत जल्द तुम्हें इस सब मुसीबतों का कोई बोझ नहीं होगा और तुम्हें राहत मिलेगी। तो व्यूअर्स, ड्रामे के हवाले से आपका क्या राय है, अपने राय के इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और इसके साथ हमारे यूट्यूब का चैनल इख़लास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे अनिला रशीद को कहेगी कि शगुप्ता और अमना को माफ़ करो। व्यूअर्स आप देखेंगे कि रशीद कहेगा कि नहीं बेटा, मैं उसको माफ़ नहीं कर सकता। व्यूअर्स आप देखेंगे कि अनिला कहेगी कि मैंने उसको माफ़ किया है तो आप भी माफ़ करें। व्यूअर्स आप देखेंगे कि उसका रशीद कहेगा कि उन लोगों का गुनाह ही ऐसी है कि वो माफ़ी के लायक नहीं है, मैं इन लोगों को कभी भी माफ़ नहीं कर सकता। लेकिन फिर भी व्यूअर्स अनिला की मिन्नतों के बाद वो कहेगा कि ठीक है, मैं शगुप्ता और अमना को माफ़ करूँगा और तू बस ये कहूँगा कि उस पर जुल्म बंद कर दो और इसके साथ अपना रवैया सही कर दो। व्यूअर्स आप देखेंगे कि रशीद अनिला को कहेगा कि मैं तो चाहता था कि इन लोगों के साथ बहुत बुरा सलूक होना चाहिए, लेकिन अगर तुम कहते हो तो मैं तुम्हारी बात मानूंगा। व्यूअर्स, नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि अनिला अमना के घर जाएगी और वहाँ पर देखेगी कि अमना घर की सारी कामें खुद कर रही है और वहाँ पर सारा जो गन पड़े हुए है वो अमना साफ कर रही है। व्यूअर्स आप देखेंगे कि अमना अनिला को कहेगी कि अनिला आप उन लोगों को कह दो कि ये लोग ये सलूक मेरे साथ ठीक कर दे। व्यूअर्स आप देखेंगे कि अनिला उसे खुशखबरी देती है कि मैंने बात की है और बहुत जल्द तुम्हें इस सब मुसीबतों का कोई बोझ नहीं होगा और तुम्हें राहत मिलेगी। तो व्यूअर्स, ड्रामे के हवाले से आपका क्या राय है, अपने राय के इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और इसके साथ हमारे यूट्यूब का चैनल इख़लास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे अनिला रशीद को कहेगी कि शगुप्ता और अमना को माफ़ करो। व्यूअर्स आप देखेंगे कि रशीद कहेगा कि नहीं बेटा, मैं उसको माफ़ नहीं कर सकता। व्यूअर्स आप देखेंगे कि अनिला कहेगी कि मैंने उसको माफ़ किया है तो आप भी माफ़ करें। व्यूअर्स आप देखेंगे कि उसका रशीद कहेगा कि उन लोगों का गुनाह ही ऐसी है कि वो माफ़ी के लायक नहीं है, मैं इन लोगों को कभी भी माफ़ नहीं कर सकता। लेकिन फिर भी व्यूअर्स अनिला की मिन्नतों के बाद वो कहेगा कि ठीक है, मैं शगुप्ता और अमना को माफ़ करूँगा और तू बस ये कहूँगा कि उस पर जुल्म बंद कर दो और इसके साथ अपना रवैया सही कर दो। व्यूअर्स आप देखेंगे कि रशीद अनिला को कहेगा कि मैं तो चाहता था कि इन लोगों के साथ बहुत बुरा सलूक होना चाहिए, लेकिन अगर तुम कहते हो तो मैं तुम्हारी बात मानूँगा।
व्यूअर्स, नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि अनिल आमना के घर जाएगी और वहाँ पर देखेगी कि आमना घर की सारी कामें खुद कर रही है और वहाँ पर सारा जो गन पड़ी हुई है वो आमना साफ कर रही है। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि आमना अनिला को कहेगी कि अनिला आप उन लोगों को कह दो कि ये लोग ये सलूक मेरे साथ ठीक कर दे। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि अनिला उसे खुशखबरी देती है कि मैंने बात की है और बहुत जल्द तुम्हें इस सब मुसीबतों का कोई बोझ नहीं होगा और तुम्हें राहत मिलेगी। तो व्यूअर्स, ड्रामे के हवाले से आपका क्या राय है, अपने राय के इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और इसके साथ हमारे यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे अनिला रशीद को कहेगी कि शगुप्ता और आमना को माफ़ करो। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि रशीद कहेगा कि नहीं बेटा, मैं उसको माफ़ नहीं कर सकता। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि अनिला कहेगी कि मैंने उसको माफ़ किया है तो आप भी माफ़ करें। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि उसका रशीद कहेगा कि उन लोगों का गुनाह ही ऐसी है कि वो माफ़ी के लायक नहीं है, मैं इन लोगों को कभी भी माफ़ नहीं कर सकता। लेकिन फिर भी व्यूअर्स, अनिला की मिन्नत के बाद वो कहेगा कि ठीक है, मैं शगुप्ता और आमना को माफ़ करूँगा और तू बस ये कहूँगा कि उस पर जुल्म बंद कर दो और उसके साथ अपना रवैया सही कर दो। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि रशीद अनिला को कहेगा कि मैं तो चाहता था कि इन लोगों के साथ बहुत बुरा सलूक होना चाहिए, लेकिन अगर तुम कहते हो तो मैं तुम्हारी बात मानूंगा। व्यूअर्स, नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि अनिला आमना के घर जाएगी और वहाँ पर देखेगी कि आमना घर की सारी कामें खुद कर रही है और वहाँ पर सारा जो गन पड़ी हुई है वो आमना साफ कर रही है। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि आमना अनिला को कहेगी कि अनिला आप उन लोगों को कह दो कि ये लोग ये सलूक मेरे साथ ठीक कर दे। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि अनिला उसे खुशखबरी देती है कि मैंने बात की है और बहुत जल्द तुम्हें इस सब मुसीबतों का कोई बोझ नहीं होगा और तुम्हें राहत मिलेगी। तो व्यूअर्स, ड्रामे के हवाले से आपका क्या राय है, अपने राय के इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और इसके साथ हमारे यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे अनिला रशीद को कहेगी कि शगुप्ता और आमना को माफ़ करो। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि रशीद कहेगा कि नहीं बेटा, मैं उसको माफ़ नहीं कर सकता। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि अनिला कहेगी कि मैंने उसको माफ़ किया है तो आप भी माफ़ करें। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि उसका रशीद कहेगा कि उन लोगों का गुनाह ही ऐसी है कि वो माफ़ी के लायक नहीं है, मैं इन लोगों को कभी भी माफ़ नहीं कर सकता। लेकिन फिर भी व्यूअर्स, अनिला की मिन्नत के बाद वो कहेगा कि ठीक है, मैं शगुप्ता और आमना को माफ़ करूँगा और तू बस ये कहूँगा कि उस पर जुल्म बंद कर दो और उसके साथ अपना रवैया सही कर दो। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि रशीद अनिला को कहेगा कि मैं तो चाहता था कि इन लोगों के साथ बहुत बुरा सलूक होना चाहिए, लेकिन अगर तुम कहते हो तो मैं तुम्हारी बात मानूँ। व्यूअर्स, नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि अनिला आमना के घर जाएगी और वहाँ पर देखेगी कि आमना घर की सारी कामें खुद कर रही है और वहाँ पर सारा जो गन पड़ी हुई है वो आमना साफ कर रही है। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि आमना अनिला को कहेगी कि अनिला आप उन लोगों को कह दो कि ये लोग ये सलूक मेरे साथ ठीक कर दे। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि अनिला उसे खुशखबरी देती है कि मैंने बात की है और बहुत